वैसे पीरियड तक का तो रास्ता बता ही चुका हूँ मैं आप लोग को, गूगल अर्थ मैप में भी आप लोग देख रहे होंगे। पीरियड वाटरफॉल को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करके आप लोग को डिफाइन करूँगा, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी इस तरह से, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरी ट्रैवलिंग की थी तो मैंने पॉइंट्स जो है वो इस तरह से कवर नहीं किए। इस वीडियो में मैं पीर गैप को डिफाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मजीद वीडियो से पहले लाइक करें, TLE चैनल टूरिज्म लोकेशन एंड इवेंट्स को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये तो आप लोग ने देखा ही होगा जो हम लोग पीर गैप पहुँच चुके थे। इस गेट पे हमने एंट्री फीस दी थी 30 रुपीज पर पर्सन और 50 रुपीज पर कार, और हमारे साथ तीन गाड़ियाँ थी। मैं तीनों गाड़ियों की फ्यूल डिटेल्स आप लोग को लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और वीडियो के ऊपर भी लिंक शो हो रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे रास्तों से एंटर हुए थे हम लोग पीर गैप में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पीर गैप को तीन हिस्सों में डिवाइड करके डिफाइन करूंगा, तो ये फर्स्ट लोकेशन अपर साइड है पीर गैप की। ये देखिए अभी हम अपर साइड की तरफ ही है पीर गैप की, और इधर छोटे छोटे पानी के चश्मे बने हुए हैं जिसको जो जगह मुनासिब लगती है वो वहाँ नहाने लग जाता है। तो हम लोग को भी एक जगह पे नहाने का मौका मिल गया, क्योंकि ये मीठा पानी है और बहता पानी है। आप लोग को पता है कि बहता पानी पाक होता है और ये पानी कुदरती तौर पे गर्म है। आप लोग देख रहे हैं ये जगह पहाड़ों के दरमियान है, और इधर कुछ जगहों पे पाम ट्रीज भी लगी हुई है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। कितना साफ सुथरा पानी है, और इस पानी में मछलियां भी होती है। हम लोग को तो इस पानी में नहाने का मजा ही आ गया, क्योंकि ऐसा पानी हम लोग को कराची में तो मिलता है नहीं। ये सेकंड लोकेशन मिडल साइड है पीर गैप की। आप लोग देख रहे हैं कि पानी ऊपर की तरफ से आ रहा है, और ये भी एक बड़ा चश्मा है पानी का जो कि पीर गैप की मिडल लोकेशन में आता है। वैसे तो हर थोड़े थोड़े फासले पे पानी के चश्मे बने हुए हैं, और इधर एक बड़ी स्लाइड भी है। देखिए बहुत खूबसूरत रस्सियों का ब्रिज बना हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है और आप लोग इधर एक बार ज़रूर आए। अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इधर मंडे या ट्यूसडे को आए। ये है पीर गैप का सबसे खूबसूरत एरिया, यानी कि ये लोअर साइड है पीर गैप की। ये जगह नीचे की तरफ आती है, आप लोग देख सकते हैं जो दो तीन खूबसूरत वाटरफॉल नज़र आ रहे हैं ये वही पानी है जो ऊपर की तरफ से आ रहा है। कितना खूबसूरत पानी का चश्मा है, मगर इस जगह पे पानी गहरा है। इस पानी में आप लोग नहाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें। इस जगह की खूबसूरती तो ऐसी है कि बस मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, बहुत ही जबरदस्त व्यू है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर ऐसे ही और व्लॉग्स चाहिए तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर देगा और कमेंट भी कर देगा और बेल आइकन भी दबा देगा। और तब तक के लिए मुझे सुफियान फारूकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।